एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 8 बल्लेबाज रोहित के आंकड़े हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 8 बल्लेबाजों के बारे में, जिसमें हम रोहित शर्मा के हैरान करने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों इस सब बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को रोहित शर्मा के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा ताबड़तोड़ छक्के लगाने की क्षमता से टीम का खूब फायदा होता है। इस दौरान कुछ मैचों में एक बल्लेबाज अपनी पारी में छक्कों की बारिश भी कर सकता है। इसी दिशा में आज हम आपको इस वीडियो में एक वनडे पारी में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस रिकॉर्ड लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन पहले स्थान पर हैं। मॉर्गन ने वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ही एक ही पारी में रिकॉर्ड 17 छक्के जड़े थे। इस दौरान उन्होंने 71 गेंदों में 148 रन की तूफानी पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान के खिलाफ खूब छक्के जड़े थे। वहीं दोस्तों मॉर्गन के बाद इस रिकॉर्ड लिस्ट में तीन ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्होंने एक ही पारी में 16 छक्के जड़ने का कीर्तिमान बनाया है। इसमें रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल शामिल हैं। रोहित ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन की पारी में 16 छक्के लगाए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इयोन मॉर्गन के 17 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के लिए तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।